केवलारी तहसील के पलारी में हटाया गया अतिक्रमण। जिला कलेक्टर के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने की कार्रवाई। राजस्व अमला और पुलिस बल रहा मौजूद। जल जीवन मिशन के तहत टंकी का होना है निर्माण। निर्माण स्थल पर अवैध अतिक्रमणकारियों ने किया था कब्जा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पलारी में अतिक्रमण पर प्रशासन की जेसीबी चली। दरअसल पलारी बस स्टैंड के समीप चिन्हित भूमि पर जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण होना था, लेकिन उक्त जगह पर अवैध अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था, जिस पर जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण हटाने निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के निर्देश और एसडीएम के मार्गदर्शन में नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व अमले और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्रवाई में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। क्या मामला, क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बहुत दिनों से मांग थी कि पेयजल व्यवस्था हमारे गांव की लगभग 75% आबादी जो है शुद्ध पेयजल से वंचित थी। मेरे सरपंच के कार्यकाल में यहाँ पर लगभग 1,20,00,000 की जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना स्वीकृत की गई थी, किंतु उचित स्थान के चयन में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और सिंचाई विभाग की ये जो भूमि जो बेकार पड़ी थी, इसमें विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा, पीएचई विभाग के द्वारा मैं इस स्थल का चयन किया गया था, किंतु अतिक्रमण के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अनावश्यक रूप से अतिक्रमण कर लिया था, इसलिए यहाँ पर टंकी का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था। बहुत प्रयास के बाद में शासन प्रशासन के सहयोग से और वर्तमान में जो पंचायत के पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से आज राजस्व विभाग के नेतृत्व में यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की सफलतम कार्रवाई की गई है, ताकि ग्राम पंचायत खैरा के गांव खैरा के सभी लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके और शीघ्र अति शीघ्र यहाँ पर अतिक्रमण हटा दिया गया है। अब टंकी का निर्माण तीव्र गति से चालू होगा ताकि जल्द से जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल घर घर पहुँच के मिल सके। पलारी ग्राम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक टंकी का निर्माण होना है, जो अवैध इतमान निर्माण थे वो कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार तोड़े गए हैं एसडीएम सर के सहयोग से, और वहाँ पर पानी की टंकी बनेगी जिसमें सभी ग्रामवासियों को पीने की सुविधा रहेगी।